हेलो बच्चों, स्टडी प्लस वन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है हरीश पांडे और मैं आपके लिए लेकर आता हूँ छोटी छोटी गुदगुदाती मज़ेदार कहानियाँ। तो इन्हीं गुदगुदाती कहानियों की श्रृंखला में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक छोटे से गिलहरी के बच्चे की कहानी, जिसका नाम है पुथू। इस कहानी की लेखिका है शीतल पॉल, इसमें चित्र दिए हैं परेश मोदक ने और इस कहानी को हम तक लेकर आए हैं रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, जिसका नाम है पुथू। पुथू को पास वाली दीवार बहुत पसंद है, उसे वहां खेलने में बहुत मजा आता है। वह कल से वहां नहीं गया, खेला भी नहीं, क्योंकि उसे दस्त हुए हैं। माँ उसे बार बार दही भूसी खिला रही है ताकि वह जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन पुथू को लगता है कि दस्त भूसी की वजह से ही हैं। लेकिन यह बात वह किसे बताए? वह पास वाली दीवार को निहारता है, सोचता है कि वहां शान से बीट करने में कितना मजा आता है। उस दीवार पर बीट का रंग उभर कर आता है। वहां उसके दोस्त कली और मिली भी आते हैं, सब मिलकर वहां बीट करते हैं। दीवार पर सुंदर चित्रकारी हो जाती है, पर निगोड़े दस्त जो लगे हैं, इस वजह से वह कुछ नहीं कर पा रहा। उसने ठान लिया है वह जल्दी ठीक होगा, ठीक होते ही उल्टे पैर दौड़ेगा। अलमारी के पीछे पड़ी छिपकली की पूंछों को निकालेगा, उन्हें सिर पर लगाएगा, दीवार की सैर करेगा, शीशे के सामने नाचेगा, नाचकर छोटे सचिन को डराएगा, जीभ को गोल गोल घुमाएगा। यह सोचकर वह मन ही मन खुश हो रहा है, इतना कि ताली बजाने के लिए दोनों हाथ उठा लिए। हाथ उठते ही धम, सीधा गिरा सचिन की किताब पर, डायनासोर वाली किताब पर। डायनासोर को देख वह डर गया, इतना कि वहीं उसकी बीट निकल गई। वह झट से मेज के पीछे जा छुपा, जहां कोई उसे देख न सके। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं हमारी अगली कहानी में, तब तक जय हिंद।